सो गाइज वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम सभी फ्रेंड्स को वेलकम करता हूँ आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मेक मनी गुरु पर। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं bitsonar.com के बारे में। बेसिकली जो एक स्पॉन्सर्ड रिव्यू वीडियो है, मैं जनरली अपनी ओर से सिर्फ एक रिव्यू करके बता रहा हूँ, कोई भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। इसका सारा लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आप उसको फॉलो कर सकते हो। मैं किसी को भी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर इको फंड एक bitsonar.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बेसिकली इन्होंने एक ऐसा एल्गोरिथम रेडी किया है जहाँ पर आपके फंड पर वो ट्रेड करेंगे और आपको इसके बेस के ऊपर रिटर्न भी मिलने वाला है। सारा डिटेल हम वन बाय वन चेक करेंगे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो पूरा एंड तक देखने के बाद फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि आगे आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने क्या वर्किंग सिस्टम के बारे में बताया गया। यूजर जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है, परस्यू योर प्राइमरी गोल्स वाले रिसीविंग एवरी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, यहाँ पर आपको रिपोर्ट शेयर किया जाएगा। विड्रॉ प्रॉफिट्स, री इन्वेस्ट देम फॉर एक्सपोनेंशियल कैपिटल एक्यूमुलेशन। बेसिकली अगर आपको इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके ऊपर जो रिटर्न मिलेगा तो आप उसको चाहो तो विड्रॉल कर सकते हो या नहीं चाहो तो उसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हो। इको फंड के अंदर इमीडिएट एड्स फंड टू कॉमन ट्रेडिंग पूल रहेगा, यानी अगर आप फंड ऐड करते हो तो इंस्टेंटली जो कॉमन ट्रेडिंग का जो पूल बना है जहाँ पर टोटल उनका फंड बाय द एल्गोरिथम बेसिस पे ट्रेड हो रहा है वहां पर आपका फंड इंस्टेंटली ऐड हो जाएगा। न्यूरल नेटवर्क कपल विद क्वांटम एल्गोरिथम्स बेसिकली ग्लोबल ट्रेंड्स एंड मेक प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एवरी टाइम देयर डाइवर्जेंस इन रेट्स। बेसिकली यहां पर आपको ये चीज बताया जा रहा है कि इनका जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिक आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करेगा, सिस्टमैटिकली पेज आउट ऑफ आउट प्रॉफिट्स फ्रॉम एनी कन्वीनियंट पेमेंट सिस्टम। यहाँ पर आपको इजीली आप आपका विड्रॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट किया, सो इको फंड की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर द पास्ट सिक्स मंथ्स। पिछले छः महीने में इन्होंने कुछ रिकॉर्ड किया है, उन्होंने बताया है कि एक्चुअल मार्केट ने कितना रिटर्न दिया है और एक्चुअल इनका जो सिस्टम है उसके ओर से लगभग कितना रिटर्न। ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो 15.2% के करीब इनका रिटर्न जा रहा है जो कि ईयरली 1.20% होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मंथ एवरेज मंथली रिटर्न के बारे में बताया जा रहा है। इनके जो टोटल पूल में फंड है वो आपको बताया जा रहा है, लास्ट मंथ इनफ्लो की बात किया जा रहा है कितना फंड इनपुट हुआ है। यहाँ पर आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर। जो प्रॉफिट रहेगा वो अप डाउन हो सकता है क्योंकि ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के ट्रेडिंग बोर्ड उन्होंने रेडी किया है तो ये पास परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटीज हो सकता है नीचे या अब वापस हो सकता है। इनका एवरेज जो टारगेट मिशन है वो लगभग 20% के करीब है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीज देखने को मिल रहा है जहाँ पर आप देख सकते हो क्या इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप अगर चाहो तो जो बेस रिटर्न आपका है तो आप यहाँ पर पा सकते हो। यहाँ पर आप सिंपली आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपका रेफरल बिजनेस रेफरल बोनसेस आपको मिल सकता है अगर आप इसको रेफरल या बोनस पाना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट्स आपको मिलेगा $500 और लाइफ टाइम फीस है। बेसिकली इनके लाइफ टाइम फ्री फीस गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ फर्दर इन्वेस्टमेंट इन अवर फंड अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ द सेलेक्ट पैकेज। यानी इनका बोर्ड जो है इसके बेस के ऊपर बात किया जा रहा है, $100 फीस रहेंगे और लाइफ टाइम के लिए एक्सेस आपको मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो बेसिक और पैकेज भी है जिसके अंदर आपको एजुकेशनल मटेरियल्स मिलेगा और यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न्स कितना मिलेगा। पैकेज फुलफिलमेंट ऑल 24% 12% है और ये एक फ्री टेस्टिंग है तो आप चाहो जो आपको बेहतर लगा तो आप यहाँ पर जाकर कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के तो फिलहाल हम यहाँ पर फ्री वाला स्पेस वाला पैकेज को सिलेक्ट करेंगे और बिगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप अपना डिटेल सारा का सारा फिलअप कर दोगे, जैसे कि मैं अपने सिस्टम को हाइड करके सारा का सारा डिटेल फिलअप कर देता हूँ। ऑब्वियसली बात है डिटेल हाइड करना मस्ट है। ठीक है, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई करना है, यहाँ पर आपको आई एम नॉट रोबोट को सिलेक्ट करना है, कैप्चा है, उसके बाद आपको क्लिक करना है साइन अप, दिस यूजर इज नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब ठीक है, यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अभी हम वापस इसके ऊपर मेल के बाद आएंगे। ठीक है, ओके, फाइनली हम यहाँ पर लॉगिन कर चुके हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसा प्रोसेस यहाँ पर फॉलो होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर आप चाहो तो आपका खुद का एक बोर्ड क्रिएट कर सकते हो जहाँ पर आपको मिनिमम फ्री बोर्ड क्रिएट करने के लिए डिपॉजिट करना होगा $50 से लेकर $250 तक और आफ्टर 3 डेज आपको आपको जो प्रॉफिट है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट कुछ अमाउंट्स को डिपॉजिट करना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम देखेंगे एथेरियम के जरिए हम डिपॉजिट करेंगे। ये हमारा एड्रेस है। ठीक ठीक है, यहाँ पर अपना हम कुछ अमाउंट को डिपॉजिट करेंगे ETH के अंदर। ठीक है, लगभग 50 ETH के करीब हम कुछ ना कुछ डिपॉजिट यहाँ पर करेंगे अपना और फिर देखते हैं आगे हमको क्या देखने को मिलता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ, आप
चाहो तो उस चीज को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ हमने अमाउंट सेलेक्ट किया, मैं डिपॉजिटेशन आपको यहाँ से नहीं बता रहा, लेकिन जब ये कंफर्म हो जाएगा तो आपको मैं डायरेक्टली बता दूंगा अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, फाइनली हमने पेमेंट यहाँ पर कर दिया है और फिलहाल मैं वेट करता हूँ पेमेंट कंफर्मेशन का। जैसे पेमेंट कंफर्मेशन हो जाएगा तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बता दूँ। ओके ठीक है, फाइनली हमारा यहाँ पर जो अमाउंट हमने डिपॉजिट किया लगभग 0.30 ETA जो कि लगभग 50 डॉलर के करीब होता है। नाउ हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस और यहाँ पर हम अपना जो भी है इथेरियम को वो कन्वर्ट करेंगे, पर हम डायरेक्ट यहाँ से परचेस नेम इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, बॉस स्टेटस पे जाएंगे और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे जो छोटा पैकेज है लगभग 50 डॉलर का उसको सिलेक्ट करें जो कि लगभग 3 दिन के लिए यहाँ पर चलने वाला है और 3 दिन के बाद हमको इसका एक्जैक्टली पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट जो है 0.30, ठीक है, यहाँ पर लगभग 0.30 के करीब इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि करंट में जो रेट है वो आपको देखने को मिल रहा है। उसको आगे प्रोसेस किया, टाइटल आप जो नाम देना चाहो यहाँ पर दे सकते हो, आपको अगर जो पैर पे ट्रेड लगाना है आपका ये रोबोट बेस जो भी आपको एग्जांपल के लिए है तो वो आप सिलेक्ट करो। स्ट्रैटेजीज आप चाहो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी बेसिंग के अवेलेबल है वो स्ट्रैटेजी बेस आप यहाँ पर बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो बोट है आपका उस बेस के हिसाब से यहाँ पर आपका ट्रेडिंग करेगा आप जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर सेलेक्ट करते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोई स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी ठीक लगता है मेरे हिसाब से इच्छे मुख कर लेते हैं, सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कैंडल साइज लगभग यहाँ पर आपको दे रहा है साइज, तो क्या बेस पर लेना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम डिफॉल्ट 10 रख के और इसको कर देते हैं स्टार्ट। ठीक है, आर यू श्योर, या ऑफ कोर्स, हमने इसको श्योर पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर हमारा देख सकते हो 2 days और 23 hours मतलब लगभग 3 दिन के करीब हमारा जो यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट किया है उसके बेस पर हमको यहाँ पर पता चलेगा कि हमको प्रॉफिट कितना बढ़ना है। करंट बैलेंस 0.23 है। अब ये जो HMO बेस सिस्टम पे मैंने जो लगाया हो डेमो बोट यहाँ पर मेरे को एट द एंड प्रॉफिट समझ में आ जाएगा। उसके बाद कोशिश करूँगा आपको एक वीडियो अपलोड करने के लिए कि अब हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर हमको रिटर्न क्या मिला है और क्या क्या हमको हो सकता है। तो ये सब कुछ आपको डिटेल यहाँ पर है पता चला किस तरह आप इसमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊँ तो यहाँ पर एक एक्समो एक्सचेंज के जो CEO है यहाँ पर देख सकते हो पेवेल लर्नर ज्वाइन द बिट सोनार कंपनी। तो बेसिकली एक एक्समो एक्सचेंज के CEO है जो कि इन्होंने ज्वाइन किया है इस कंपनी को जो कि वर्क करने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है अगर ब्रोकर है या एक्सचेंज के CEO है तो उनको ऑलरेडी पता है मार्केट के बारे में, तो ये भी यहाँ पर ज्वाइन करेंगे जिसको आप यहाँ पर जाकर डिटेल में चेक कर सकते हो। तो गाइस मैं कोशिश करूँगा 3 दिन के बाद जब हमारा ये जो चीज़ है जब ये एक्सपायर टोटली हो जाएगा तो उस टाइम हमारे एक वन मोर वीडियो अपलोड करेंगे और आपको मैं समझाऊंगा कि प्रॉफिट कितना बना है और वे हिसाब से फिर विड्रॉल हमको इसमें मिलता है नहीं मिलता है हम उसके अंदर ये भी चेक करेंगे। अगर हम इसके और डिटेल में अगर हम बात करते, ठीक है, अगर मैं bitsonar.com के बारे में और डिटेल में अगर मैं बात करूँ तो आपको मैं इनके और फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इनके फिलोसफी के बारे में बात करेंगे, देखते हैं एक्जैक्टली क्या क्या बेस इनका ऑलरेडी चल रहा है कब इनके हिसाब से 2006 के हिसाब से ये वर्किंग कर रहे और वेबसाइट पर उन्होंने ये चीज़ अपडेट किया है। ठीक है, यहाँ पर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव मेरियस एज्यूब का इनका ये कहना है कि इन्होंने जो 8 flag कंसेप्ट है उसके लिए जब अप्लाई किया था तो यहाँ पर वो इंस्टेंटली एक्सेप्टेबल हो चुका था। क्यों? क्योंकि इनका जो एल्गोरिदम है काफ़ी वर्किंग बेस है और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क भी करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू स्ट्रॉन्ग इज एवोल्यूशन ऑफ बिटसोनार और इनका जो एल्गोरिदम उन्होंने रेडी किया है ये बिल्कुल एक आपके पैटर्न है जो कुछ भी है ये ऑटोमेटिक उस बेस पर वर्क करता है और यानी ट्रेड करता है और आपके बिहाफ में वो ट्रेड करके आपको प्रॉफिट जनरेट करता है। जैसे कि अभी हमने एक स्मॉल पैकेज परचेज किया $50 का, 3 दिन के अंदर वो पैकेज एक्सपायर हो जाएगा। हमने EOS के ऊपर ट्रेड लगाया है इच्छुमेकू बेस के ऊपर। अब अभी देखते हैं कि एज पर इच्छुमेकू बेस इनके सिस्टम के हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट बनता है 3 दिन के अंदर वो कितना बनता है। कोशिश करूँगा मैं आपको 3 दिन के बाद इसी वीडियो में मैं आपको अपडेट दे पाऊँ। सो गाइस जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो पैकेज को परचेज किया था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर एंड हो चुका है। 3 दिन का पैकेज है जो मैंने इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया, मैं 3 दिन तक वेट किया हूँ आगे का वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इजिली 2.74% यहाँ पर गेन हुआ है 3 दिन के अंदर।
आप उसको चाहो तो फिर से बाय कर सकते हो, आप दोबारा चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या आप अगर चाहो तो विड्रॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर योर गेन ऑलमोस्ट 3 डे इज सक्सेसफुल, ठीक है, यहाँ बता रहा है। और अब हम देखेंगे हमारा जो बैलेंस है यहाँ पर 0.382, हमको ऑलमोस्ट इसके अंदर रिटर्न मिला है 3 दिन के अंदर। और अभी फिलहाल ये पैकेज जो है इनएक्टिवेट हो चुका है। और अगर आप चाहो तो उसको यहाँ से आप अगर आप इन्वेस्टमेंट वापस इसमें करना चाह रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप अगर विड्रॉल करना चाह रहे हो तो आप विड्रॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियरली दिखने को मिल रही है, आप विड्रॉल भी क्लिक करोगे, विड्रॉल के ऊपर आपको इथेरियम का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपका जो अमाउंट है 0.3822 ये आपको डालना है, और यहाँ पर आपको आपका एड्रेस डालना है, जैसे कि मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। फाइनली यहाँ पर हम विड्रॉल के लिए प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर हमने अपना एड्रेस डाल दिया है और यहाँ पर क्लिक करेंगे हम विड्रॉल पर, ठीक है, विड्रॉल रिक्वेस्ट क्रिएटेड। तो फाइनली हमको यहाँ से जो रिटर्न मिला है वो हमने फाइनली यहाँ पर विड्रॉल कर दिया है। जैसे कि हम सभी को बताया, जैसे ब्लॉकचेन वेरीफाई कर देगा तो वो मेरे अकाउंट में कंफर्म हो जाएगा। तो गाइस ये एक बेसिक सा रिव्यू था बिटसोनार के बारे में। आप अगर इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो जो रिटर्न मेरे को यहाँ पर देखने को मिला है वो चीज़ का, कैसा क्या प्रोसेस हुआ है, टेस्ट बुक विड्रॉल, टेस्ट बुक पेमेंट, डिपॉजिट, ये सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाएंगा कि एग्जैक्टली कैसा क्या कुछ यहाँ पर किया हुआ है। तो आप अगर इंटरेस्ट हो, आप अगर चाहते हो तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं एक बार बता दूं कि यहाँ पर मैं किसी को कोई भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जो भी होते हैं वो बहुत रिस्की होते हैं। फिलहाल वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।